हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा। आज मैं लेके आई हूँ एक समर रेसिपी, बूंदी का रायता। ये खाने के साथ खाने से खाने का जायका बहुत अच्छा से भर जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। रायता बनाने के लिए मैंने लिया है, हम लेंगे खाली बॉल 250 ग्राम दही। इसमें मैं मैंने फेंट के 250 ग्राम दही जो मैंने फेंट के डाला है, इसमें मैं ऐड डालूंगी 2 टीस्पून पाउडर शुगर, नमक, इसमें मैंने ऐड किया चीनी, ये पीसी हुई चीनी एक है चम्मच, 2 चम्मच, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच पाउडर रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, ये मैंने घर में भून के पीस लिया था, थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती और कुछ फ्रेश धनिया पत्ती से मैं अच्छा से मिला लूंगी। मैं अच्छा से मिला लूंगी। काफी रिफ्रेशिंग रायता है, ये खाने के साथ बहुत अच्छा। डालूंगी बूंदी जो मैंने गर्म पानी से ऐड की है, बूंदी जो मैंने गर्म पानी से धो के डाली है। गर्म पानी से धोने से ये काफी सॉफ्ट हो जाती है। बूंदी का रायता रेडी है। बूंदी में मैंने रायता अब मैं इसे ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी। हमारा रायता रेडी है फ्रेश धनिया पत्तियों से सर्व करने के लिए। ऊपर से मैं डेकोरेट करूंगी इसे फ्रेश धनिया पत्ती से। लाल मिर्ची पाउडर, चिली पाउडर, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा, मेरा रायता अब रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रायता आप कभी भी खाने के साथ खाइए, ये आपका खाने का जायका और भी बढ़ा देगा। समर में हमें दही की चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, ये हमारे पेट को भी ठंडा रखती है और हमें रिफ़्रेश फील कराती है।